एग्जाम्पल नंबर सिक्स और ब्रैकेट मैंने लिख दिया, दैट इज अनरियलाइज रेंट। कि अगर आपको अनरियलाइज रेंट दे तब आपको क्या करना है, जी ए वी कैलकुलेट करना है आपको, पर अगर अनरियलाइज रेंट दे तो उस केस में आपको जी ए वी कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी बात हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा एग्जाम्पल पहले रीड करते हैं, अब ऊपर का जो नोट्स लिखा है वो अभी पढ़ना मत, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको डिटेल में। और अभी आप देखो एग्जाम्पल नंबर फाइव में क्या लिखा है, दैट इज फाइंड आउट द जी ए वी इन केस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर। तो ये असेसमेंट ईयर स्टूडेंट आपको चेंज कर देना है, कल भी मैंने आपको बोला था कि ये एक साल पुरानी बुक है, एक साल पुराना एग्जाम्पल है। तो अभी आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 2021-22, और ये जो असेसमेंट ईयर लिखा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, दैट इज प्रीवियस ईयर 2020-21। तो ये हर एक एग्जाम्पल में एक एक साल आप इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट देखो क्या यहाँ पे अनरियलाइज रेंट दिया है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कौन सा कैलकुलेट करने वाले जी ए वी में, जब आपको अनरियलाइज रेंट दिया हो और वैकेंसी पीरियड में कुछ भी नहीं है, दोनों एडजस्टमेंट एक साथ भी आ सकते हैं स्टूडेंट, कि हो सकता है अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी पीरियड दोनों एडजस्टमेंट साथ में दिए हो, देयर आफ्टर आपको जी ए वी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। या फिर पॉसिबिलिटीज है कि अनरियलाइज रेंट रिसीव दे या फिर वैकेंसी पीरियड दे, तीनों एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करेंगे। कि अनरियलाइज रेंट सिर्फ दिया है तब क्या करना है, सिर्फ वैकेंसी पीरियड दिया है तब क्या करना है, और दोनों साथ में दिए हो तब कैसे एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। तो एज यूजुअल देखो आपको चार वैल्यू तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर जी ए वी कैलकुलेट करना है, दैट इज़ फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे देखो चारों वैल्यू प्रोवाइडेड है। फर्स्ट क्या है देखो, म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यू, उसके बाद फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वो किसके हिसाब से होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पर एनम, तो वो भी पर एनम लिखा है, मतलब ये तीनों वैल्यू कौन से स्टूडेंट, दैट इज एनुअली। उसके बाद देखो अनरियलाइज रेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अनरियलाइज रेंट वाला एडजस्टमेंट इस एग्जाम्पल में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज अनरियलाइज रेंट फॉर प्रीवियस ईयर। तो वंस अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 है, तो यहाँ पे भी वो करेक्शन आपको करना पड़ेगा कि दैट इज प्रीवियस ईयर 2020-21 इन टर्म्स ऑफ मंथ। तो अनरियलाइज रेंट दिया है और वो भी मंथ में, देखो अमाउंट में नहीं दिया, देखो क्या लिखा है, अनरियलाइज रेंट है प्रीवियस ईयर 2020-21 में और इन टर्म्स ऑफ मंथ, तो मंथ में दिया है। और लिखा क्या है यहाँ पे, कंडीशन सेटिस्फाइड रूल फोर, तो रूल्स के हिसाब से चार कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी उसको अनरियलाइज रेंट माना जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है। तो जैसे आप बिजनेस करते हो और क्रेडिट सेल करते हो, तो कुछ कस्टमर जो क्रेडिट पे गुड्स परचेस करके गए थे पास्ट में, वो अभी आपको पैसे नहीं दे रहे, तो उसको आप क्या कंसिडर करते हो बिजनेस में, बैड डेट कंसिडर करते थे। अब उसी तरह से आप रेंट पे हाउस देते हो अपनी हाउस प्रॉपर्टी, तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटीज कि जो टेनेंट है वो आपको एक मंथ, दो मंथ या तीन मंथ का रेंट ना भी दे, इवन दो ही इज रेसिडेंट, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहा है फिर भी वो आपको रेंट नहीं दे रहा, तो दैट इज अनरियलाइज रेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में याद कैसे रखना है आपको, कि इट इज़ जस्ट लाइक अ बैड डेब्ट इन बिजनेस, कि हाउस प्रॉपर्टी में बैड डेब्ट को क्या कंसिडर किया जाएगा, अनरियलाइज रेंट, जो रियलाइज नहीं हुआ, ऑन तो किया था आपने, एक्रू तो हो गया था, कि तो वो 12 मंथ रहा और उसने रेंट आपको दिया ओनली 10 मंथ का, तो 2 मंथ का जो रेंट होगा वो क्या बन जाएगा, अनरियलाइज रेंट, कि वो रेंट आपको मिला ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन पे आ सकती है, तो उस केस में जी ए वी का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको देखो 2 मंथ, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 में कितना, देखो यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे पर एनम के हिसाब से 12 मंथ के, पर कितने मंथ का रेंट नहीं मिला, यहाँ पे 2 मंथ का रेंट नहीं मिला। उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी 2 को अगर रेंट पे दिया है तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना मिलना चाहिए था, यहाँ पे 6 लाख, पर अभी देखो 3 मंथ का अनरियलाइज रेंट है। तो हाउस प्रॉपर्टी 3 में अनरियलाइज रेंट कितना है, यहाँ पे देखो 1 मंथ का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1,80,000 मिलना था पर 12 मंथ का, पर 1 मंथ का नहीं मिला, 12 मंथ का 1,20,000, तो 2 मंथ का कितना, तो एक स्टेप आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा,
वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनना, कि 12 मंथ का कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000। तो 2 मंथ का क्या कितना? तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा कि पर मंथ अनरियलाइज रेंट कैलकुलेट करो, फिर नंबर ऑफ मंथ से उसे मल्टीप्लाई करो, तो दोनों वे से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सर मंथ में दिया है पर हमें तो अमाउंट में चाहिए अनरियलाइज रेंट, तो क्या करें? तो सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या बताया कि अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, कि प्रीवियस ईयर 2020-21 में आपको 12 मंथ के हिसाब से जो रेंट मिलना चाहिए था दैट इज़ 1,20,000, पर जो हाउस प्रॉपर्टी में जो पर्सन रहता था, जो टेनेंट था, उसने 2 मंथ का आपको नहीं दिया, तो अभी आपका एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा आपका आंसर 1,00,000, तो वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल रेंट में क्या होगा, थोड़ा आपको अमाउंट चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो अनरियलाइज रेंट क्या होता है? अनरियलाइज रेंट अगर मंथ में दिया है तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी आपको पता चल गया होगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखो अब ऊपर देखो क्या लिखा है, तो देखो क्या लिखा होगा। ओके, वाइल मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल रेंट एंड फेयर रेंट टू, तो ये किसके बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू एनुअल है और फेयर रेंट एनुअल है, तो उसके कंपेरिजन, तो स्टेप नंबर 1 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि एनुअल वैल्यू तो आप दोनों कंपेरिजन करते हुए आप फिर उसका स्टैंडर्ड स्टेप नंबर 1 का आंसर आएगा ER1 यहाँ पे देखो, और इसके कंपेरिजन आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आपको कोई इश्यू नहीं, पर यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल अब थोड़ा क्या होगा यहाँ पे कम हो सकता है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन सेटिस्फाइड रूल 4, तो जो रूल नंबर 4 था उसमें 4 कंडीशन थी, याद रखना रूल नंबर 4 4 कंडीशन, कि आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि देखो 2 मंथ का रेंट हमें मिलना चाहिए था पर वो अनरियलाइज हो गया, हमें नहीं मिला, तो क्या गवर्नमेंट ऐसे ही आपकी बात मान लेगा? अदरवाइज हर एक ओनर क्या करेगा हाउस प्रॉपर्टी का, कि हमें 6 मंथ का नहीं मिला है, कोई बोलेगा हमें 4 मंथ का नहीं मिला है, कोई हम बोलेगा हमें तो 10 मंथ का नहीं मिला है। तो अगर ऐसे गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगा तो हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट? तो अनरियलाइज रेंट को पहले क्या करवाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है कि देखो ये अनरियलाइज रेंट है, एक्चुअल में हमें नहीं मिला, तो उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अदरवाइज क्या होगा, सारे जो ओनर्स है हाउस प्रॉपर्टी के वो बोल देंगे देखो 1,20,000 मिलना था पर हमें तो 2 मंथ का ही मिला, सिर्फ 20,000, अभी 1,00,000 तो हमें मिले ही नहीं, तो हमें बेनिफिट दो, तो टैक्सेशन में फिर उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो हर एक कोई पर्सन टैक्स ही पे नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है उनको कि देखो अनरियलाइज रेंट आपकी एक वैलिड लॉस है, हम मानते हैं, पर वो आपकी वैलिड लॉस तभी मानी जाएगी जब हम अप्रूव करेंगे, अदरवाइज कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, सारे बता देंगे अनरियलाइज रेंट 3 मंथ का 4 मंथ का। तो जब भी अनरियलाइज रेंट हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो रूल नंबर 4 है उसमें 4 कंडीशन है, वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट आप GAV कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंडीशन कौन सी है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर अभी क्या है देखो क्या लिखा है, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो कंडीशन जो रूल नंबर 4 में थी वो चारों कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो चुकी है, इसका मतलब कि वो अनरियलाइज रेंट है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर लिया है। तो अभी क्या करना है कि अनरियलाइज रेंट को आप कंसिडर कर सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वाइल मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल रेंट एंड फेयर रेंट टू इन लास्ट स्टेप, कौन सा स्टेप? नंबर 3, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में तो कोई इश्यू ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, तो वहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं, पर स्टेप नंबर 3 में आपको क्या लिखना है, एक्चुअल रेंट लिखना है। और मैंने अभी बताया कि एक्चुअल रेंट अभी आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ अनरियलाइज रेंट। रिड्यूस अनरियलाइज रेंट बट इग्नोर लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये अभी आप फोकस मत करो, ये दोनों जब वैकेंसी वाला एडजस्टमेंट आएगा तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 7, क्या लिखा, वैकेंट हाउस, तब ये रिमेनिंग जो यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या करना है देखो, वाइल मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल रेंट एंड फेयर रेंट टू इन लास्ट स्टेप रिड्यूस अनरियलाइज रेंट, कहाँ से रिड्यूस करना है, एक्चुअल रेंट में से रिड्यूस करना है। सर क्यों रिड्यूस करना है, बिकॉज वो अनरियलाइज रेंट है, वो आपको मिला ही नहीं और वो आपका बैड डेट हो गया, अनरियलाइज हो गया, और कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी आपने चारों कंडीशन रूल नंबर 4 की और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया,
तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप जब ARR लिखोगे तब कितने मंथ का लिखोगे, ओनली 10 मंथ का, यहाँ पे ओनली 9 मंथ का और यहाँ पे ओनली 11 मंथ का। पहले दो स्टेप है वो नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो फायर रेंट आपको दिया है तो फायर रेंट ऊपर से लिख देते हो, फायर रेंट 3 लाख 3 लाख एंड 3 लाख तीनों में सेम है तो फायर रेंट तीनों हाउस प्रॉपर्टी में लिख देते। देखो तीनों जगह पे हम लिख देते 3 लाख सेम अमाउंट, फायर रेंट तीनों हाउस प्रॉपर्टी का सिमिलर है 3 लाख 3 लाख तो लिख देते यहाँ पे 3 लाख। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000, उसके बाद लिखा वहाँ पे 5 लाख और 30,000। वंस अगेन क्या करना है आपको, देखो दैट इज यहाँ पे लिख रहे म्यूनिसिपल वैल्यू उसके सामने वे फर्स्ट देखो कितना वैल्यू, दैट इज 90,000 तो लिख रहे हैं यहाँ पे 90,000। फिर हाउस प्रॉपर्टी टू का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना देखो, दैट इज 5 लाख तो लिख रहे हैं यहाँ पे 5 लाख। और हाउस प्रॉपर्टी थ्री का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 30,000 तो लिखेंगे यहाँ पे 30,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो क्या है, दोनों में से जो हायर होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रेंट ER1 तो कितना आएगा यहाँ पे 3 लाख, फिर यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 5 लाख बिकॉज दोनों में से हायर फुल लेना है हमें, और यहाँ पे आएगा आंसर दैट इज 3 लाख, विच एवर इज हायर हम कंसिडर कर रहे थे इसलिए। फिर स्टेप नंबर टू में क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट वन मतलब ये वाला, देखो एक्सपेक्टेड रेंट वन दैट इज स्टेप नंबर वन का आंसर स्टेप नंबर टू में लिख देना यहाँ, तो लिख देते वंस अगेन 3 लाख 5 लाख और 3 लाख। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करनी है तो स्टैंडर्ड रेंट देखो 50,000 8 लाख एंड 2 लाख 40,000 तो लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट में क्या लिखेंगे, दैट इज सबसे पहले लिख देंगे वेट यहाँ 50,000, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी टू में कितना दिया देखो दैट इज 8 लाख और लास्ट हाउस प्रॉपर्टी में कितना दिया स्टैंडर्ड रेंट देखो दैट इज 2 लाख 40,000 तो लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख 40,000। फिर स्टेप नंबर वन में क्या, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो कंसिडर करनी है और वो आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट टू। तो देखो यहाँ पे वेट एक्सपेक्टेड रेंट टू में आंसर किस तरह से आएगा, विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे लोअर अमाउंट क्या स्टूडेंट 50,000, यहाँ पे लोअर अमाउंट क्या दैट इज 5 लाख और यहाँ पे लोअर अमाउंट है दैट इज 2 लाख 40,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट टू तो वो तो ऐसे चल हमें यहाँ पे लिखना है, देखो दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट टू यहाँ पे विच एवर 50,000 वन सेकेंड लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख और यहाँ पे लिखते हैं 2 लाख 40,000। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको आता है, मैंने प्रीवियस 2-3 एग्जाम्पल कैलकुलेट करवाए तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ तक तो बहुत ही इजी, वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। पर यहाँ पे जब होगा स्टूडेंट जब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में अब क्या होगा कि ये 12 मंथ का आप यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, क्यों, बिकॉज अनरियलाइज रेंट था 2 मंथ का, तो मिलना चाहिए था पर एनम के हिसाब से, देखो पर एनम के हिसाब से मिलना कितना चाहिए था आपको दैट इज 1,20,000, पर आपको मिला कितना होगा यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ का। ओके तो यहाँ पे आप जो लिखोगे एक्चुअल रेंट, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया एक सिंपल मेथड है कि 12 मंथ का, और 12 मंथ कैसे ले, देखो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव में पर एनम लिखा है ब्रैकेट में, तो उसका मतलब क्या है, ये 1,20,000 आपको मिलना था 12 मंथ का, तो हम सिंपल फार्मूला रख सकते कि 12 मंथ का 1,20,000 तो कितने मंथ का मिला होगा यहाँ पे 10 मंथ का कितना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं कि पहले आप 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 करो तो 1 मंथ का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मिलेगा, फिर आप देखोगे कि सर 1 मंथ का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 10,000 है, फिर 2 मंथ का नहीं मिला तो आप लिखोगे 20,000,
फिर 120,000 में से 20,000 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सिर्फ 10 मंथ का कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 1 लाख। पर अभी मैं डायरेक्ट मेथड क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो कितना मिला होगा स्टूडेंट, 12 मंथ का 120,000 मिलना चाहिए था, तो 12 मंथ का पूरा मिला है यहाँ पे या 10 मंथ का मिला है, 10 मंथ का राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो कि 12 मंथ का 120,000, तो 10 मंथ का कितना, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 120,000 डिवाइडेड बाई 12, तो डायरेक्टली 10 मंथ का जो मिला होगा वही हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लाख करके लिख देंगे। देखो यहाँ अभी वेट थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कि मैंने 1 लाख डायरेक्टली कैसे लिख दी है। तो अगर डायरेक्टली पता नहीं चल रहा स्टूडेंट तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि, और एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करो तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। तो देखो कैसे मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ आपको, कि सबसे पहले क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि 1,20,000 है डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे 12 मंथ का दिया है, तो इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा, देखो 10,000 आंसर आ गया है, 1,20,000, तो एक मंथ का 10,000 है, तो दो मंथ का क्या है वहाँ पे, दैट इज दो मंथ का अनरियलाइज दिया हाउस प्रॉपर्टी 1 में, तो 2 मंथ और एक मंथ का 10,000 है, तो देखो कितना आ गया 20,000। फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि 1,20,000 मिलना था, फिर क्या हुआ कि 20,000 टू मंथ का तो अनरियलाइज है, तो 20,000, तो देखो आंसर कितना आ गया, दैट इज 1 लाख। तो ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे कि हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा यहाँ पे कि 12 मंथ का अगर पूरे पूरा मिला होता हाउस प्रॉपर्टी 1 में तो 1,20,000 आंसर आता, पर अभी 2 मंथ का नहीं मिला है तो उसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि 10 मंथ का मिला है, तो वो जितना एक्चुअल में मिला है वही आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में लिखना है यहाँ पे। तो देखो डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको कि 12 मंथ का 1,20,000, तो 10 मंथ का कितना, तो अभी देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो देखो आंसर आपका 1 लाख आ गया, देखो ये रहा। तो कोई भी मेथड से स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर करना क्या है आपको कि जब भी आपको अनरियलाइज रेंट दे और उसमें रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड दिया हो, तो स्टेप नंबर 3 में जब भी आप एक्चुअल रेंट लिखो, ये वाला देखो स्टेप नंबर 3 में एक्चुअल रेंट एंड फेयर रेंट 2 की या एक्सपेक्टेड रेंट 2 की कंपैरिजन करो, तब क्या करना है वो एक्चुअल रेंट में से वो वाला अनरियलाइज रेंट वाला अमाउंट है वो क्या करना है, माइनस करना है।